माई सेल्फ योगेंद्र त्यागी, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 3.5। देखिए स्टूडेंट, इससे जो पहली वाली वीडियो थी उसमें हमने कुछ क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए थे, लेकिन लास्ट के ये दो क्वेश्चन हैं, फिफ्थ और सिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब हुज वॉल्यूम इज 15.625 सेंटीमीटर क्यूब। स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब। तो साइड क्यूब इक्वल टू 15.625 सेंटीमीटर क्यूब, ये गिवन है क्वेश्चन में, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम मीन साइड क्यूब, साइड क्यूब इक्वल टू 15.625। साइड फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, सो साइड इक्वल टू, देखिए यहां से क्यूब अब जब हम हटाते हैं तो जो वैल्यू दी हुई है हमें इसका क्यूब रूट फाइंड करना पड़ेगा, 15.625 हमें इसका क्यूब रूट फाइंड करना होगा स्टूडेंट्स। आप देखिए 15.625, यहां से हम डेसिमल को हटाते हैं स्टूडेंट्स तो नीचे अपॉन में 1000 आ जाएगा, 1000 आने के बाद 15.625 अगर हम इसके फैक्टर करें स्टूडेंट्स, देखिए प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर आपने किए स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। देखिए यहाँ पर अगर हम 5 से यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अगेन 5 से 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर से 5 से अगेन, और फिर से देखिए 1 जा। तो देखिए स्टूडेंट, जब हम क्यूब रूट फाइंड करते हैं तो हम 3 का पेयर बनाते हैं, तो यहाँ पर 2 पेयर बने हमारे, 2 पेयर हो गए स्टूडेंट। तो देखिए ऊपर ये हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए ये हम इस पूरे का क्यूब रूट निकाल रहे हैं, न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी। तो 15625 का जो क्यूब रूट आपका आया वो है स्टूडेंट्स 5 × 5, क्योंकि 2 पेयर बन रहे हैं, देखिए 3 3 के 2 पेयर बन रहे हैं यहाँ पर, अपॉन 1000 का जब आप क्यूब रूट निकालते हैं तब 10 × 10 × 10, इसका भी जो पेयर बनेगा वो 10 का पेयर बनेगा, तो यहाँ पर इसका क्यूब रूट देखिए 10 आ गया स्टूडेंट, क्लियर। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5/2, और 5/2 को जब हम यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4, पॉइंट लगाया, 2 5 जा 10। तो देखिए हमें साइड फाइंड करनी थी स्टूडेंट, और साइड कितनी आ गई है यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर, क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे जरूर ध्यान से सॉल्व करें, समझें, और फिर नोटबुक में इसको करें स्टूडेंट्स। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन 6 इसका डिस्कस करता हूँ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 1:2:3, द सम ऑफ देयर क्यूब इज 79092, फाइंड द नंबर्स। देखिए हमारे पास इन्होंने कहा कि 3 नंबर्स हैं जिनका रेशियो है 1:2:3, तो स्टूडेंट्स हमने इन नंबर्स को मान लिया, लेट द नंबर्स आर x, 2x एंड 3x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो सम है इनके क्यूब का वो 79092 है, हमें ये नंबर्स फाइंड करने हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए x का क्यूब प्लस 2x का होल क्यूब प्लस 3x का होल क्यूब, हमने इन नंबर्स के क्यूब का सम किया, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सम है स्टूडेंट्स वो है 79092। तो स्टूडेंट देखिए x का क्यूब कितनी वैल्यू होगी, x का क्यूब
एक्स की पावर 3 है। 2x का होल क्यूब स्टूडेंट, तो 2 का क्यूब देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 8x की पावर 3। 3x का होल क्यूब 27x की पावर 3 इक्वल टू 79092। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपके? अब हम इनका सम करते हैं। देखिए 27 प्लस 8 35 और 1 36, 36x क्यूब इक्वल टू 79092। एक्स क्यूब इक्वल टू 79092 अपॉन 36। स्टूडेंट इसको रिड्यूस कर लें, आप 6 की टेबल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रिड्यूस करें और उसके बाद उसको आगे भी अगर हो सकता है तो फिर से रिड्यूस कर लें, और रिड्यूस करने के बाद जो वैल्यू होगी आपके पास आएगी स्टूडेंट्स वो होगी, देखिए चलिए कर लेते हैं, 6 1 6, 6 3 18, 6 1 6, 6 8 48, 6 2 12 अपॉन 6 6 36। अगेन हम इस 6 से फिर से डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू होगी स्टूडेंट्स 6 2 12, 6 1 6, 6 9 54 और 6 7 42, 2 1 9 7। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर हो गया? एक्स क्यूब इक्वल टू 2 1 9 7। इसके आगे देखिए स्टूडेंट्स, एक्स क्यूब इक्वल टू 2 1 9 7, देन एक्स इक्वल टू 2 1 9 7, इसका हम क्यूब रूट फाइंड कर लें। क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? हम इनके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है? प्राइम फैक्टर तो आपको आते ही हैं, आप लगातार कर रहे हैं इस काम को। तो देखिए 2 1 9 7 ये किससे स्टूडेंट डिवाइड हो सकता है? अगर हम 2 से तो कर ही नहीं सकते क्योंकि लास्ट जो डिजिट है वो 7 है और वो 2 की टेबल से डिवाइड ही नहीं होती। अगर हम 3 से करते हैं तब भी ये कम्प्लीट डिवाइड नहीं होगा, और 4 से भी नहीं हो सकता, 5 से भी नहीं हो सकता स्टूडेंट, ये 13 से ही डिवाइड होगा। तो 13 1 13 13 6 78 और 13 9 117। 13 से फिर किया हमने 13 1 13 13 3 39 एंड 13 1 13। देखिए 13 का यहाँ 3 नंबर्स का पेयर बन गया, 3 फैक्टर्स का पेयर बन गया, और क्यूब रूट में हम 3 का ही पेयर बनाते हैं स्टूडेंट्स। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमें मिली है 13। तो जब एक्स की वैल्यू स्टूडेंट हमें 13 मिल गई, अब हमें वो 3 नंबर फाइंड करने हैं, और वो 3 नंबर क्या थे स्टूडेंट्स? हमने क्या माना था शुरू में, स्टार्टिंग में? एक्स, 2x एंड 3x। तो नंबर्स आर 13, 2x 2 मल्टीप्लाई 13 इक्वल टू 26 एंड 3x 3 मल्टीप्लाई 13 इक्वल टू 39। तो क्लियर स्टूडेंट, तीनों नंबर हमें यहाँ पर देखिए मिल गए हैं, फर्स्ट है 13, सेकंड 26 और थर्ड है 39। इन्हीं का रेशियो था एक्स, 2x एंड 3x, मीन्स 1:2:3। तो देखिए ये स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लेवल पर, ठीक है? तो 3.5 मैंने यहाँ पर कंप्लीट डिस्कस किया आपके साथ, तो 3.5 इज़ कम्प्लीट। सो टुडे चैप्टर 3 आल्सो कम्प्लीट। चैप्टर 3 जो आपका स्क्वायर, क्यूब एंड क्यूब रूट जो काफ़ी टाइम से चल रहा था, बड़ा लेंथी चैप्टर था, ये कम्प्लीट हो गया है। और आज आपका यही वर्क है कि इस चैप्टर को 3.5 एक्सरसाइज को भी आप कम्प्लीट कर लें। थैंक यू वेरी मच। ओके स्टूडेंट।